क्या करना है, कैसे करना है आज? आम इदानीं अहम चिंतनं करोमि यत् अस्माभिः तत्र वाक्यानि सन्ति न, किञ्चित् वाक्यानि सन्ति संभाषणस्य कृते, वाक्यानि सन्ति संभाषणं कृते। जैसे सेंटेंस जो इंग्लिश में अपन प्रैक्टिस करते ना, कुछ सेंटेंसेस अपन ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं, उनसे वाक्य कैसे बनाते हैं सामान्य रूप से। जैसे एक अपन आज लेते हैं यथा तथा, यथा तथा, यथा तथा। जैसे अपन बोलते हैं सामान्य रूप से कि यथा शक्ति तथा कार्यम करो तू, जैसा और वैसा, यथा जैसा। हाँ, जैसा और वैसा ऐसा ले लेते हैं, यानी इस तरह के कुछ सेंटेंस है। और जैसे अपन संभाषण में जैसे अपन करते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास वैसे कोई फोन या फिर कोई मैसेज आया क्या मैसेज सीखने के लिए? अभी तो नहीं आया, फोन तो नहीं आया, मैसेज देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बताइए यथा तथा। हाँ एक मिनट, मैंने इनके कुछ सेंटेंसेस भी अपने पास लिख लिए हैं ताकि अपन तुरंत तुरंत करें। यथा तथा तो शायद मुझे आता है, आप एक बार हिंदी में कुछ मुझे पूछिए तो मैं उसका अनुवाद करने का प्रयास करूंगा तुरंत। हाँ, यथा चिंतनम करोमि तथा वाक्यानि वदामि। सम्यक। हाँ, यथा चिंतनम करोमि तथा एव वाक्यानि वक्तुम शक्नोमि, एतत् वक्तुम शक्नुमः। ठीक है। यथा कार्यम करोति तथा, यथा कार्यम करोति, यथा कार्यम करोति तथा तारीफ को क्या बोलेंगे संस्कृत? प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसाम प्राप्नोति। यथा कार्यम करोति, यथा कार्यम करोति तथा प्रशंसाम प्राप्नोति। हाँ, प्रशंसाम, प्रशंसा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति भविष्यति। यथा, यथा कार्यम करोति तथा प्रशंसाम प्राप्नोति। हाँ, जैसा कार्य करोगे वैसी आपको प्रशंसा मिलेगी। हाँ, इस तरह के अपन सेंटेंसेस अपन फ्रेम कर सकते हैं यथा और तथा से। यथा कार्यम करोति तथा प्रशंसाम प्राप्नोति। हाँ, इसी से संबंधित बिल्कुल है यदा और तदा, जब और तब। हाँ, जब और तब। यदा पिपासा भवति तदा जलम पिबामि। यदा पिपासा भवति तदा जलम पिबामि, जब प्यास लगती है तब पानी जल पीता हूँ, जलम पिबामि, पीता हूँ। हाँ, एतत् वाक्यम, वाक्य निर्माणम कर्तुम शक्नुमः यदा कदापि कोपि पृच्छति, यदा किम करोति तदा किम करोति, यदा एतत् भवति तदा किम करोति। करेक्ट, यदा एतत् भवति तदा किम करोति, जब ऐसा होता है तब क्या करते हो। यदा, यदा एतत् भवति तदा किम करोति। हाँ, यदा गुरुः आगच्छति तदा अहम् पठामि। यदा गुरु आगच्छति तदा अहम् पठामि। गुरुः आगच्छति तदा अहम् पठामि। यदा गुरुः आगच्छति तदा अहम् पठामि। आम्। यदा अहम् इंदौरं गच्छामि तदा भ्रमणार्थं गच्छामि। यदा अहम् अजमेरं गच्छामि तदा अहम् भ्रमणार्थं गच्छामि। आम्। यदा अहम् जयपुरं गच्छामि तदा किमस्ति तत्र फेमस, जयपुर नगरे हवा महलम प्रसिद्धम, हवा महलम प्रसिद्धम अस्ति, तत्र गच्छामि, तत्र भ्रमणार्थं गच्छामि। जयपुर नगरे भ्रमणार्थं गच्छामि, भ्रमणार्थं दर्शनार्थं देखने के लिए, भ्रमणार्थं दर्शनार्थं च। आम्, भ्रमणार्थं दर्शनार्थं च तत्र अहम् गच्छामि, तत्र गत्वा बहु सम्यक् अनुभवामि, तत्र गत्वा बहु सम्यक् अनुभवामि। करेक्ट। आम्, बहु सम्यक् भवति तत्र। यदा अहम् पचामि तदा अहम् खादामि। यदा अहम् पचामि तदा अहम् खादामि। हाँ, जितना डाइजेस्ट करता हूँ तदा अहम् खादामि, तदा अहम् खादामि। आम्, यदा अहम् गृहे गमिष्यामि तदा अहम् शयनम् करोमि। यदा अहम् गृहे गच्छामि तदा अहम् शयनम्, शयनम् करोमि, शयनम् करोमि। यदा अहम् गृहं गच्छामि तदा अहम् गृह शयनम् करोमि। आम्,
यदा अहम संस्कृतम वदामि तदा अहम सुखम सुखम शांतिम च अनुभवामि। यदा अहम संस्कृतम वदामि तदा अहम सुखम शांतिम च अनुभवामि। यदा अहम भवतः सह वार्तालापं करोमि तदा अहम सुखम अनुभवामि। यदा अहम भवतः सह संभाषणं करोमि तदा अहम सुखम अनुभवामि। बहु आनन्दम् आगच्छति। आम। यदा तदा यथा तथा जैसा वैसा यदा तदा तब जब। हाँ, ऐसा अपन बोल सकते हैं। राइट। हाँ, तो आप भी बोलिए इससे कुछ एक और दो सेंटेंस। हाँ, तो यदा अहम बांसुरी वादनम करोमि तदा अहम बहु सम्यक अनुभवामि। आम, बहु आनंदम प्राप्नोमि। आम। यदा अहम छदोपरि चढ़त्वा है गत्वा चढ़त्वा चढ़ने का भी कोई धातु होगा यार। हाँ, आरोहित्वा। यदा अहम छदोपरि आरित्वा बांसुरी वादनम प्रतिदिनम करोमि तदा सर्वे जनाः आनन्दम् अनुभवम् कुर्वन्ति। आनन्दस्य अनुभवम् कुर्वन्ति या फिर आनन्दम् अनुभवन्ति। यदा अहम् छदोपरि आरित्वा आरोहित्वा यदा अहम् छदोपरि आरोहित्वा बांसुरी वादनम् प्रतिदिनम् करोमि तदा सर्वे जनाः आनन्दस्य अनुभवम् कुर्वन्ति। आम् सामान्य भेव भविष्यति। भवान् जानाति किम् अद्य इत्युक्ते किं भवति? अद्य इत्युक्ते टुडे। कल इत्युक्ते किं भवति? कल यस्टर्डे एंड टुमारो श्वः। हाँ, डे आफ्टर टुमारो परश्वः। ओके, टू डेज आफ्टर टुमारो नहीं पता। प्रपरश्वः। अच्छा, प्रपरश्वः। प्रपरश्वः। अच्छा, ठीक है। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। आम्। अद्य ह्यः परह्यः परह्यः। हाँ, अगला नहीं, अद्य ह्यः परह्यः। अच्छा, हाँ, और उसके पहले प्रपरह्यः। आम, प्रपरह्यः। हाँ, पहले प्र है और उसके बाद पर है ना, जैसे कि आगे था फॉरवर्ड में। हाँ, वही वाला। पहले तो प्र है और उसके बाद पर है। परह्यः। हाँ, तो दो दिन पीछे का मतलब प्रपरह्यः। आम। ह्यः उसको ऐसे जोर से नहीं बोलना है, परह्यः सामान्य परह्यः प्रपरह्यः। आम, प्रपरह्यः प्रपरह्यः। आम, उच्चारणं कुर्मः। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः प्रपरश्वः। अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः प्रपरह्यः। आम्। वाक्यनिर्माणं कुर्वः। अद्य अहम् पठामि। अद्य अहम् पठामि। आम्। एक और चीज होती है, जैसे अद्य होता है आज। अद्यतन मतलब होता है आज के दिन। अच्छा, अद्यतन। हाँ, अद्यतन। अच्छा, तन विदाउट हलन। हाँ, तन अद्यतन आज के दिन।
हाँ आज के दिन अद्यतन दिने अहम पठामी, अद्यतन दिने अहम पठामी, अद्यतन दिने अहम बांसुरी वादनम करूमी। आम श्वस्तन दिने अहम इंदौरम गमिष्यामि, श्वस्तन दिने अहम जयपुर नगरे गच्छामि गमिष्यामि। आम जयपुर नगरम गमिष्यामि, जयपुर नगरम गमिष्यामि। परश्वस्तन दिने अहम पुनः आगमिष्यामि, परश्वस्तने पर वो श्वः है ना, तो श्वः तन तो श्वस्तन वहां संधि हो जाती है, ये तो नहीं आई बात पकड़ है, परश्व है जैसे परश्वः। अच्छा अच्छा तो ये हो गया परश्वस्तने। हाँ परश्वस्तने नहीं परश्वस्तन। हाँ समझ गया, ये हो गया परश्वस्तने। हाँ परश्वस्तन दिने परश्वस्तने परश्वस्तन। हाँ 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 सही है, सही है। वो जो विसर्ग था उसका आधा सा बन गया, बिल्कुल विसर्ग को सा हो जाता। हाँ हाँ परश्वस्तन दिने, आम परश्वस्तन दिने, आम हाँ परश्वस्तन दिने अहम पुनः ग्रहम आगमिष्यामि, आगमिष्यामि एतत् तो अहम करिष्यामि, भवान किम करिष्यति, भवान अहम एकम सम्मेलनम गमिष्यामि, एकम सम्मेलनम गमिष्यामि, गमिष्यामि। आम कदा गमिष्यति, परश्वस्तन दिने गमिष्यति वा, आम अहम परश्वस्तन दिने गमिष्यामि, आम परश्वस्तन दिने गमिष्यति भवान, परश्वस्तन दिने कुत्र गमिष्यति किम करिष्यति, परश्वस्तन दिने दिने परश्वस्तन दिनम दिनम परश्वस्तन दिने नहीं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ परश्वस्तन तन परश्वस्त अति दूरम अस्ति, परश्वस्तन दिनम अति दूरम अस्ति, परिपश्वस्तन तन दिनम, आम परश्वस्तन दिनम तो अति दूरम अस्ति, परश्वस्तन दिनम तो अति दूरम अस्ति, आम इसलिए को क्या बोलते हैं, तत्कारणात् अहम अभी को क्या बोलते हैं, इदानीम न जानामि अहम किम करिष्यामि, तस्य विषये अहम न जानामि, तत् परश्वस्तन दिने परश्वस्तन दिने अहम किम करिष्यामि, आम तस्य विषये विषये अहम न जानामि, इदानीम अहम न जानामि परश्वस्तन दिने अहम किम करिष्यामि, तदा एव अहम निश्चितम करिष्यामि, तदा एव करिष्यामि, तदा एव अहम निश्चयम करिष्यामि किम करणीयम, तदा एव अहम निश्चयम करिष्यामि किम करणीयम, आम किमपि करणीयम अस्ति अथवा न करणीयम अस्ति, केवलम पठनम करणीयम अस्ति अन्यम करणीयम अस्ति तदा अहम निश्चयम करिष्यामि, अहम निश्चयम करिष्यामि यत किम करणीयम किम न करणीयम किम अपि करणीयम, किम अपि करणीयम तदा एव करणीयम तदा एव अहम निश्चयम करामि करिष्यामि भोजनम करिष्यामि वा बांसुरी वादने करिष्यामि वा सम्मेलनम गमिष्यामि, आम सम्मेलनम गमिष्यामि बांसुरी वादनम करिष्यामि किमपि पठनम करिष्यामि किमपि पठनापि गमनीयम गमिष्यामि तदा एव गमिष्यामि तदा एव अहम निश्चयम करिष्यामि आम आम अद्य अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः, अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः, अद्यतन अद्यतन ह्यस्तन ह्यस्तन
परह्यस्तन प्रपरह्यस्तन प्रपरह्यस्तन उसी प्रकार अद्यतन अद्यतन श्वस्तन श्वस्तन परश्वस्तन परश्वस्तन प्रपरश्वस्तन प्रपरश्वस्तन आम बहुत जबरदस्त मतलब आज के दिन कल के दिन परसों के दिन डे आफ्टर टू डेज आफ्टर टुमारो उसके बाद कल के दिन फिर उसके बाद परसों के दिन बीते हुए परसों के दिन फिर उसके बाद दो दिन पीछे उसमें तो प्रपर ही अस्तन यानी अपनी संस्कृत भाषा में इतने दिनों के लिए अलग से स्पेशल शब्द हैं इसका तो यानी अपने को सेंटेंसेस बनाना है यदा अहम प्रश्नम करिष्यामि यदा कदापि किम भवान तत्र परश्वस्तन दिने किम करिष्यति अत्र आगमिष्यति वा भवान दूरवाणीं करिष्यति वा अथवा न करिष्यति तत्कारणादेव अहम एतत् पाठितवान् करेक्ट करेक्ट आम अग्रे चलामः वा आम चलामः आम तर्हि वाक्य निर्माणं भवान कृतवान् इदानीं पूर्वतन जानाति वा पूर्वतन न अहम न जानामि पूर्वतन भवति पूर्वे पूर्वतन पूर्वे पूर्वे भवति जैसे पहले कुछ होता था ऐसा उदाहरण उदाहरण उदाहरणार्थम आम आम उदाहरणम अहम ददामि पूर्वतने मध्य प्रदेशस्य राजधानी नागपुरम आसीत् पूर्वतने आम पूर्वतने मतलब पहले हुआ करती थी पूर्वतने मध्य प्रदेशस्य राजधानीम राजधानी राजधानी नागपुरम आसीत् नागपुरम आसीत् आम पूर्वे तो पूर्वतने तो एवं वा आम एवं अस्ति इति सत्यम आसीत् आम इति सत्यम अस्ति अस्ति ओके 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 अहम न जानामि अहम जानामि अहम न ज्ञातवान् अहम न जानामि स्म अहम न जानामि स्म करेक्ट करेक्ट हाँ अहम न जानामि स्म इदानीम अहम ज्ञातवान् अहम न जानामि स्म इदानीम अहम ज्ञातवान् आम बहु सम्यक् पूर्वतने अहम भोजनम कृतवान् पूर्वतने अहम भोजनम कृतवान् पहले हाँ पूर्वतने अहम भोजनम कृतवान् अनन्तरम विद्यालयम गतवान् पूर्वतने अहम भोजनम कृतवान् तदनन्तरम अहम विद्यालयम गतवान् तदनन्तरम अहम विद्यालये विद्यालयम गतवान् आम विद्यालयम गतवान् विद्यालयम गतवान् पूर्वतन काले अथवा पूर्वतने फर्क क्या है इसका वही अर्थ है पूर्वतने भारते ब्रिटिश राज्य ब्रिटिशस्य शासनम आसीत् और पूर्वतन काले अथवा पूर्वे पूर्व सॉरी पूर्वतने और पूर्वे आम पूर्वे भी बोल सकते हैं कभी कभी कुछ एक ही है पूर्वे पूर्वतने पूर्वतन काले आम हाँ तो लेकिन पूर्व हाँ, बोलिए लेकिन पूर्वतन जो है कि वो समय दर्शाता कि पूर्वतन का जो समय था उस वक्त भारत में शासन हुआ करता था ठीक है पूर्वतन काले भारते ब्रिटिश राज्यम आसीत ब्रिटिशस्य शासनम आसीत आम इदानीम अग्रे चलामः गतमासे आगामी मासे गतमासे लास्ट मंथ लास्ट मंथ आगामी नेक्स्ट मंथ हाँ आगामी मासे हाँ आगामी मासे बोल सकते हैं अग्र मासे नहीं नहीं आगामी ही बोलना है यहाँ पे अच्छा आगामी मासे गत मासे आगामी मासे गत मतलब जो गया और आगामी जो आने वाला है ठीक है इसमें अपन मासे जरूरी नहीं कि मास को ही जोड़े अपन वर्ष भी बोल सकते हैं गत वर्षे अहम बीए तृतीय वर्ष कक्षायाम आसम आगामी वर्षे अहम एमए फाइनल कक्षायाम भविष्यामि तो वो जो आसम वाला धातु है ना हाँ उसी को भविष्य में कैसे बोलेंगे आसीत का होता है भविष्यति नहीं नहीं वो तो भू धातु है अलग भू धातु है अस जो है ना हाँ हाँ
अस का होता है मतलब अस एक अस धातु होती है, अस बताती है किसी चीज की मौजूदगी को। जैसे अस में लगाया तो ती लगाया तो अस्ति बना। हाँ तो अब ये तो हो गया वर्तमान के लिए, और अपन भूतकाल के लिए लगाना है तो आसीत लगा सकते हैं, वो तो मैं लेकिन समझ गया। हाँ, अब अपन भविष्य के लिए लगाना है तो भविष्य के लिए अपने को भूत धातु का ही भविष्य बनाना पड़ता है, भविष्यति, उसके लिए सीधी सीधी निश्चित है वो। समझ गया। चलिए इसीलिए तो आप कह रहे हैं गत मासे अहम तृतीय कक्षायाम आसम, बीए तृतीय वर्ष कक्षायाम आसम। गत वर्षे अहम बीए तृतीय वर्षस्य कक्षायाम। हाँ, बीए तृतीय वर्ष कक्षायाम, सीधा अपन जोड़ के बीए तृतीय वर्ष कक्षायाम आसम गत वर्षे। गत वर्षे आगामी वर्षे अहम कुत्र भविष्यामि, एमए तृतीय एमए सेकंड यानी एमए फाइनल बोल सकते हैं अपन, एमए फाइनल कक्षायाम भविष्यामि। हाँ, एमए उत्तरार्ध कक्षायाम भविष्यामि। कुत्र भविष्यामि। आम, गत वर्षे अहम ग्रामे आसम, आगामी वर्षे अहम नगरे भविष्यामि। गत वर्षे अहम नगरे आसम, आगामी मासे अहम ग्रामम भविष्यामि। आम, गत वर्षे अहम तत्र कुत्रापि गतवान, जैसे अपन बोल सकते हैं गत वर्षे अहम अमेरिकाम गतवान। गत वर्षे अहम अमेरिकाम गतवान। आगामी वर्षे अहम इंग्लैंडम गमिष्यामि। गत वर्षे अहम अमेरिकाम गतवान, आगामी वर्षे त्वम कुत्र गमिष्यामि गमिष्यसि। अहम तो इंग्लैंडम एव गमिष्यामि। आम, अहम अपि इंग्लैंडम गंतुम इच्छामि। आम, भवान गमिष्यति वा? अहम अपि गमिष्यामि। आम, आवां मिलित्वा गमिष्यावः तत्र, किन्तु अहम त्वां सह गंतुम इच्छामि। आम, आवां मिलित्वा गमिष्यावः तदेव अहम वदामि। शीघ्रं वदतु। आवाम इत्युक्ते हम दोनों। आवाम मिलित्वा गमिष्यावः। आवाम मिलित्वा गमिष्यामः। राइट। गमिष्यावः वह बीच वाला। द्विवचन है ना। हाँ, समझ गया। आवाम मिलित्वा तत्र गमिष्यावः। आम, ठीक है। आम, इदानीं भवान वदतु, वाक्यानि वदतु। तो आवाम तत्र मिलित्वा क्या बोला था आपने? आवाम मिलित्वा गमिष्यावः। आम, तदनन्तरम् आवाम तत्र किम कु क्या होता है वो भविष्य का द्विवचन क्या हो जाएगा? करिष्यावः। ओके। सो तदनन्तरम् आवाम तत्र किम करिष्यावः। अहम तो इदानीं न जानामि किमर्थं किमस्ति अहम इंग्लैंडम, पूर्वे तो न गतवान, इदानीम् अहम इंग्लैंडे, किम अस्ति एतत् न जानामि, परन्तु लंदन नगरे अहम गमिष्यामि, लंदन नगरं गमिष्यामि, तत्र गत्वा बहु सम्यक स्थानानि सन्ति, तान अहम द्रष्टुम इच्छामि। तान द्रष्टुम त्वम इच्छसि किम्? आम, अहम इच्छामि तत्र गत्वा द्रष्टुम इच्छामि। तथा अहमपि तान दृष्ट्वा इच्छामि। आम, तान द्रष्टुम इच्छति। तान द्रष्टुम इच्छा द्रष्टुम इच्छामि। आम, द्रष्टुम इत्युक्ते देखने के लिए। हाँ, उसको देखने के लिए तब मैं चाह रहा हूँ। तब तो प्रत्यय है ना? नहीं, तुमुन प्रत्यय। तुमुन और तो सॉरी तुमुन का न गायब हो जाता है और तुम बचता है केवल। ठीक है। तब तो का नाम, वो जो प्रत्ययों का नाम मुझे क्लियर नहीं है थोड़ा, लेकिन मुझे उसका वो उपयोग समझ में आ जाता है। दृष्ट्वा दृष्टुम। हाँ, दृष्ट्वा दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा। हाँ, त्वा अधक का त और वा।
और मैं पूछता हूँ, एक आध पूछू? हाँ पूछिए। तब तू का एक आध उदाहरण बताइए। तब तू हम तब तू नहीं, फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप अच्छा, मैं आपको सेंटेंस उदाहरण देता हूँ। हाँ हाँ, अहम राम संस्कृतम पठितवान। अच्छा, तो ये पठवान ये है क्या तब तू प्रत्यय? हाँ यही वाला है। तवत तू का क्या होता है? वान हो जाता है, ठीक है। हाँ, तवत तू का तवत शेष बचता है, उसका तवत को तवान हो जाता है। अच्छा, और फीमेल के केस में वती हो जाता है। हाँ, तब उसका वती हो जाता है, पठित वती जिस प्रकार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके रूप आपको याद है? नहीं यार, रूप याद नहीं हो गया। वो कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आज। जैसे पठितवान है, पठितवान पठितवंतौ पठितवंतः, पठितवान पठित पठितवंतौ पठितवंतः, समझ गया ये तो? ठीक है, वान वंतौ वंतः। तो अहम पठितवान, आवाम पठितवंतौ। आम आवाम पठितवंतौ, वयम पठितवंतः, वयम पठितवंतः। हाँ हाँ, और स्त्रीलिंग में पठितवती पठितवती, पठितवत्यौ पठितवत्यौ, वत्यौ वत्यौ वत्यौ। अच्छा, हाँ, आदत है और य के ऊपर डबल ओ की मात्रा। हाँ, डबल ओ की मात्रा। अच्छा, पठितवत्यौ 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 पठितवत्यः पठितवत्यः। तो आदत य और हल वो विसर्ग विसर्ग। अच्छा, तो पठितवती पठितवत्यो पठितवत्यः। आम। अच्छा, तो अहम पठितवती, आवाम पठितवत्यौ, वयम पठितवत्यः। आम। अच्छा अच्छा जी, जैसे स्त्रीलिंग के लिए अपन प्रयोग करना, सा पठितवती, सा पठितवती, ते पठितवत्यौ, ते पठितवत्यौ, ताः पठितवत्यः, ताः पठितवत्यः। हाँ, जैसे इसके रूप चलते हैं, आपने सा मतलब समझते हैं ना, सा मतलब स्त्रीलिंग का। हाँ, हाँ वो मैं समझ गया। हाँ, तो सा ते और ताहा बस, और अपने पुरुष के लिए सह ताऊ और ते। हाँ, नपुंसक के लिए, नपुंसक के लिए तत्ते, याद क्लियर नहीं, बताओ। तत्ते तत् ते ते तानी। अच्छा हाँ, तत्ते तानी, क्लियर। हाँ, ओके हाँ। तो सह ते तऊ और सा ते ताहा और तत्ते तानी। पहले सह के फिर से बोलिए एक बार। सह ते नहीं सॉरी सह तौ ते तऊ। हाँ, ये बोला था मैंने पिछली बार। तो सह तऊ ते। हाँ, फिर सा आ, 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 सा सा यार ये भूल गया, सा हाँ सा ते ते ताहा। अच्छा अच्छा, ताहा याद आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसको आप बार बार एक दो बार बोलिए, साते ताहा 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 साते ताहा, बस। इसकी ट्रिक यही है, सह सह तो ते सा ते ताहा तत ते तानी। हाँ, ये है जबरदस्त। मैं एक बात बताऊं, हाँ, ये जो शब्द रूप होते हैं ना, हाँ, इनकी ट्रिक होती है। हाँ, अभी थोड़ा सा हम और अच्छे से कर लेंगे ना, फिर मैं इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको। हाँ, कोई सा भी नया से नया शब्द रूप होना, हाँ, नए से नया, हाँ, मात्र और मात्र वो 30 से 50 सेकंड्स में याद हो जाता है। अच्छा, हाँ, कोई भी हो, उकारांत रिकारांत इकारांत इकारांत कुछ भी हो, अरे कहीं का भी हो, आप मुझे नया से नया ढूंढ के ला देना, मैं 50 सेकंड में आपको बता दूंगा एक बार पढ़ के, और अगला मैं बता दूंगा कि सुन लेना फिर आप ऐसे ही। चलो यार सही है, जब 50 सेकंड्स में आपके अनुसार जब सही वक्त आ जाए तब आप मुझे बता देना। हाँ हाँ, मैं जब भी मुझे लगेगा उस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ट्रिक क्या होती है। अब जैसे नॉर्मल तो जो शब्द रूप है ना, वो तो मुझे तो वैसे याद है, कम से कम 1000 शब्द रूप तो याद है मुझे। अच्छा, तो वो तो क्या रहता है कि मैं ट्रिक उसी से निकाल लेता हूँ, कोई सा भी नया शब्द आता है ना तो ऐसी बन जाती है।
और उसी प्रकार आप भी बना पाएंगे उसको। ठीक है ठीक है। हाँ तो इसकी यही पहले तो यही है, जैसे अपनी जो संस्कृत भाषा है ना, ये क्या होती है, श्रुति वाली भाषा होती है, श्रुति अपनी श्रुति परंपरा की भाषा है। हम इसको थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, बोलना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे साते ताहा हमने बोला, साते ताहा, तो अपनी जो जुबान है ना वो अपने आप इसको रिसाइट करेगी अगली बार, अपने को बोलना नहीं पड़ेगा फिर ऐसा। तो 10 बार जैसे हम घर में बैठे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा मम्बरिंग कर लें ऐसे, साते ताहा, हो गया। उसी प्रकार तत्तितानि, हो गया। एक एक वचन, मतलब एक एक पहली विभक्ति भी कर लेंगे ना हर एक शब्द की, तो ही पर्याप्त है स्पोकन के लिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, है ना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका उच्चारण तो बहुत अच्छा है, पर इसमें जैसे मैं आपको स्वरों का जो उच्चारण है ना वो एक बार बताता हूँ कि किस स्वर का कितना उच्चारण अपने को करना पड़ता है, ताकि आपकी जो भाषा जब आप बोलें तो एकदम सटीक और स्पष्ट हो। जैसे अ का उच्चारण तो आपको पता है, अ अ अ अ, हाँ अ अ। अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये कोई वैसा नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, लेकिन जैसे अ है, अपने को बचपन में अ तो बताया गया, अब अ को बोले कितना, अच्छा हाँ सही है कि नहीं, यानी इसका काल कितना है, जैसे सही बात है, इसका समय कितना है, तो इसका समय होता है एक चुटकी के बराबर। हाँ अ अ एक पल्स है बेसिकली, एक मोमेंटरी पल्स है, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, इसमें कोई ड्यूरेशन है नहीं बेसिकली, नहीं नहीं ड्यूरेशन नहीं है, एक पल्स है, यानी एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जिस प्रकार अपनी एक आंख झलक झपकती है ना, जितना समय लगता है, बस उतने में को अ बोलना है आपको, क्षण क्षण मात्र है, अ अ अ हो गया अ अ। हाँ अब जैसे अपने स्वर है तो वो ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है, ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है। हाँ यह तो आपको पता होगा, नहीं ठीक से मुझे समझ में नहीं है, बस मुझे शब्द कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पर ये चीज आप सीख लीजिए, बहुत काम की, बहुत काम की, आगे बहुत अच्छी लगेगी। जैसे अपना अ हुआ ना, अ छोटा हुआ तो छोटा आ जिसको हम बोलते हैं ना उसको ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व हो गया ठीक है, और बड़ा आ जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, ठीक है ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं छोटा और बड़ा, ठीक है ठीक है, तो छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, उसी प्रकार छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है ठीक है, जिस प्रकार बताया तो वो ह्रस्व अ दीर्घ अ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ऐसा। और दीर्घ का आपको मात्रा काल बताऊं, दो दो पलक झपकने जितना, जैसे आ, है ना, आ और ई, आ हाँ ई ई उ उ अ अ आ आ, हाँ अ बोलने के लिए एक चुटकी अ, और आ बोलने के लिए दो चुटकी आ आ, हाँ ई ई ई ई उ उ उ उ, उसके बाद री री रिर्री रिर्री, उसके बाद लु लु, हाँ उसके बाद लु का दीर्घ होता नहीं है, वैसे मैंने कहीं देखा था वो डबल र वाला भी होता है, नहीं होता है वो, कहीं जहाँ लिखवाया है ना वो होता नहीं है, कई बुक में कई राइटर लिख दिए होंगे, वैसे उसका दीर्घ नहीं होता, उसका दीर्घ से बड़ा होता है, प्लुत होता उसका। अच्छा जी ये क्या होता? हाँ वो स्वरों की तीन टाइप है, जैसे अभी मैंने, आवश्यक नहीं है तो छोड़ दो यार, इतना टेक्निकल मत हुआ करो, ठीक है हाँ उसको छोड़ दे, इसीलिए मैंने उसको पिक ही नहीं किया था, तो छोड़िए अपने जो टाइप हो गए ह्रस्व और दीर्घ, बस ठीक है। तो लृ का दीर्घ होता नहीं, और वैसे भी लृ तो अपना वैदिक स्वर है, वो लौकिक संस्कृत में काम भी नहीं आता, ठीक है ठीक है। अब आते हैं ए, ए हाँ ये पहले से ही दीर्घ है, इसीलिए इसका मात्रा काल दो होगा, ए ए ए, आई आई, ओ ओ, औ औ, बस।
अच्छा आई है वो मात्र वो उसका उच्चारण क्या है आई, लोग आय बोल देते हैं तो वो गलत होता है आई आई, और ओ का होता है औ, ओ का होता है। अच्छा एक मुझे यार ये सवाल था, जैसे कि पैसा पैसा है पैसा, हाँ तो क्या क्या कैसा पढ़ा पैसा पढ़ा जाएगा उसको, पैसा पढ़ेंगे पैसा, और अगर उसको पैसा पढ़ा जाएगा तो अगर सिंगल लगा दूंगा तो फिर वो पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा वो। तो ये जो जैसे सेक्स को अगर हिंदी में लिखा जाए सेक्स, तो फिर वो कौन सी मात्रा लगी जाएगी? हाँ उसके लिए अपनी संस्कृत में आगत ध्वनियां हैं, यानी वो हिंदी में है वैसे संस्कृत में नहीं है, वो आगत ध्वनि जिसको अपन बोलते हैं ए ओ, संस्कृत में भी है वो, मतलब तो जैसे कैसे समझ में नहीं आया मुझे, अ हुआ अ, हाँ ए ए, अ और ए के बीच की ध्वनि होगी उसको बोलेंगे इसको, इसको लिखा नहीं जाएगा, उसको लिखा जाएगा ना, कहाँ कैसे लिखा जाएगा उसको, जैसे अपन जो चांद बिंदु लगाते हैं ना, हाँ सेम टू सेम वैसा लगाया जाएगा, बस बिंदु नहीं लगाना है अपने को। तो सेक्स कैसे लिखा जाएगा? हाँ स लगाएंगे, हाँ स के ऊपर चांद बिंदु जैसा लगाएंगे लेकिन बिंदु नहीं रखेंगे, केवल आकृति ऊपर अच्छा, बनाएंगे। अच्छा अच्छा ये कहीं तो देखा है। हाँ वही होता है, का कोई कॉमन शब्द याद जाना जिसके अंदर मुझे याद आ जाए कि वहां देखा। मैं बताता हूँ, आपने लिखा देखा डॉन, हाँ बस वही है। अच्छा लेकिन वहां तो ओ की तरह इस्तेमाल करते हैं, अच्छा वो नीचे आ का डंडा आ गया इसलिए वो ओ हो गया। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, देखो अ और ए के बीच की ध्वनि क्या हो गई, ए, अ और ए के बीच में ध्वनि होगी ए, ए जो 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 सेक्स में आ रही है, हाँ वो उसमें आ रही है, और पैसे में भी मेरे ख्याल में वही आ रही है। हाँ पैसे में भी वही आ रही है लेकिन उसका पैसा होना चाहिए, हमने ला ली है वो होती नहीं है, मान लिया कि वो शब्द वास्तव में पैसा ही है। हाँ है ना, क्योंकि सेक्स हाँ, शब्द की जगह आप पैसा इस्तेमाल कर लें तो वो हमारा हमको सीखने में आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है समझ गया। अच्छा तो वो अ और ए के बीच की ध्वनि है। हाँ जैसे एवरेस्ट होता है ना, एवरेस्ट एवरेस्ट एवरेस्ट, हाँ, हाँ ना तो वो अ और ना वो ए है, बिल्कुल एवरेस्ट एवरेस्ट है, करेक्ट है एवरेस्ट है। उसी प्रकार अ और ऊ के बीच की ध्वनि होती ओ, अ और ऊ के बीच की ध्वनि होती ओ ओ ओ, तो वो लगी है डॉन में, वो डॉन में लगी है। ठीक है सही बात है। हाँ डॉन नहीं है वो, डॉन है, डॉन डॉन है, सही बात सही हाँ, बात है। जैसे कि आप हिंदी में अंग्रेजी में पढ़े तो डी ए डब्ल्यू एन वाला, हाँ वो डॉन डॉन हो जाएगा, डॉन फिर लंबा खींचना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं डी ओ एन वाला अपन ले लेते हैं तो वो डॉन होता है, डॉन। ठीक है समझ गया। तो अभी वो बताइए ना मुझे, वो अगर पैसे को वैसे पढ़ा जाए ए अ और ए के बीच की तरह पढ़ा जाए तो उसको लिखा कैसे जाएगा? उसको लिखा जाएगा प पतंग का, उसके ऊपर अपना वो चांद बिंदु वाला, चांद बिंदु वाला वो लगाएंगे लेकिन बिंदु नहीं लगाएंगे। हाँ ठीक है, और उसको आकृति बनाएंगे पैसा। ऐसा कोई शब्द तो नजर में नहीं आ रहा मुझे, जैसे अपन एकदम से मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है लेकिन। ठीक है मैं समझ गया, मतलब इतना किसी ने सीरियसली उसको लिखने का प्रयास ही नहीं किया होगा। हाँ वो इसीलिए वो जनरली दिखता भी नहीं है इतना ज्यादा, लिखते भी नहीं लोग, क्योंकि शायद हिंदी में संस्कृत में, हिंदी में तो ऐसे शब्द नहीं रहे होंगे। हाँ वो आगत ध्वनियां हैं संस्कृत में, अलग से डाली गई, आगत मतलब वो ध्वनियां होती हैं जो विदेशी भाषाओं से ली गई, तो ये इंग्लिश भाषा की ध्वनि है। हाँ और संस्कृत में भी होती होगी लेकिन संस्कृत में फिर बहुत तरीके के चीज तरीके होते लिखने के। हाँ वो होती है, हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं होगा। हिंदी में हो सकता है, मैंने भी इतना सर्च नहीं किया तो हिंदी में तो हो सकता है। एवरेस्ट भी उसका हिंदी का शब्द नहीं है, और जो पैसा है वो तो वास्तव में पैसा पढ़ा जाना चाहिए, और हाँ। जैसे कि शैफाली है वो भी शैफाली पढ़ा जानी चाहिए, हाँ। वैशाली को वैशाली पढ़ा जाना चाहिए, वैशाली पढ़ा जाना चाहिए, है ना हाँ। और हाँ। जो ऐसा ऐसा वैसा है वो भी वैसा पढ़ा जाना चाहिए, और ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा ऐसा पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा वैसा पढ़ा जाना चाहिए। हाँ जैसे बिहारी में नहीं बोलते और, हाँ और बताओ, हाँ और का हो रहा ऐसा बोलते ना, हाँ तो वास्तव में और भी वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए क्या? वो और है, वो शुद्ध बोलते हैं, वही तो मैं और हाँ। अच्छा वो शुद्ध बोलते हैं, हम कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, जैसे अपना एक वर्ड होता है ना कन्हैया, तो वहां पर ह के ऊपर आई लगाया तो कन्हैया, लोग कन्हैया कन्हैया पढ़ लेते हैं, कन्हैया नहीं है वो, कन्हैया, हाँ ऐसा होता है उसका। ठीक है यार, चलो मेरे को लगता है आज के लिए हो गया काफी।
हाँ ठीक है, मैं भी क्लास में ही जाऊंगा। वो क्या शाम की पोस्टपोन हो गई, बच्चे को लेट हो गया। मैंने कहा ठीक है, फिर शाम को मिल पाया समय नहीं, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं फिर। ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद। मैं इसका पेमेंट आपको गूगल पे सेम नंबर पे कर देता हूँ। ठीक है, और वो सर आपने बोला था वो कितने बजे कॉल लगाएंगे क्या आज? वो लगाएंगे, लेकिन मैं आपको आपका वक्त उनको बता दूंगा 9:30 बजे के बाद। हाँ हाँ 9:30 बजे पर भी चलेगा वैसे तो, तब तक मतलब आ जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा। और यदि वो नंबर दे दें तो मैं अगर फ्री हो गया तो फिर मैं लगा लूं, ऐसा कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा जी। ठीक है, तो आपका तो इतना बढ़िया हो गया है, कल आपको जो बताई थी आपने रिवाइज की थी क्या उसको? रिवाइज तो क्या किया था मैंने, उसका पूरा वीडियो पोस्ट किया है ना, तो मुझे कई बार सुनने को भी मिला वो पूरा का पूरा। हाँ मतलब आपको पूरा रिकॉल था वो पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। बस यही ना, ऐसे दो चार अपन सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर वो आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, तो जब आप सुनेंगे ना तो फटाक से आप कैच कर लेंगे उसको। जी 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 जी, तो बाकी कैचिंग पावर तो आपकी एक्सलेंट है। जी जी, धन्यवाद है, चलामह। हाँ मिलामह, निश्चय। नमो नमः। नमो नमः।